हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकेंड रवि क्रॉप का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर कराने वाला हूँ गन्ने की खेती के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों को बता दूँ, यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, मतलब गन्ने की खेती, तो विस्तार से देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देखेंगे इसका बोटेनिकल नेम। तो गन्ने का बोटेनिकल नेम क्या होता है? सैक्रम ऑफिसिनेरम। क्या होता है? सैक्रम ऑफिसिनेरम। ठीक है, इसकी फैमिली पोएसी या ग्रैमिनी, ठीक है, ग्रैमिनी फैमिली से आता है गन्ना। ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन है इंडिया। तो गन्ने का बोटेनिकल नेम है सैक्रम ऑफिसिनेरम, फैमिली या पोएसी ग्रैमिनी, और ओरिजिन इसका है इंडिया। अब देखेंगे इसका एरिया डिस्ट्रीब्यूशन कि विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है और भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो गन्ना है इसका उत्पादन कहाँ पर होता है? भारत में होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन भारत में होता है, और विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर बुआई भी भारत में ही होती है, ठीक है। और भारत में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। तो क्या हम लोगों ने देख लिया इसका बोटेनिकल नेम? गन्ने का बोटेनिकल नेम क्या होता है? सैक्रम ऑफिसिनेरम, फैमिली है ग्रैमिनी, ऑरिजिन है इंडिया। विश्व में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है कहाँ पर? भारत में। और भारत में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है महाराष्ट्र में। अब देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ठीक है। इसमें जो पहला हुआ है सैक्रम ऑफिसिनेरम, जो कि इसका बोटेनिकल नेम है, तो यह गन्ना जो होता है यह रसीला पतला होता है, जिसमें सुक्रोज का प्रतिशत अधिक होता है, ठीक है। यह जो सैक्रम ऑफिसिनेरम होता है यह क्या होता है? रसीला होता है, पतला होता है, इसमें सुक्रोज की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। ये इसमट जो एक डिजीज आता है उसके प्रति प्रतिरोधी होता है, लेकिन लाल सड़न और मोजेक रोगों के प्रति संवेदनशील होता है। तो क्या बोले, ये जो इसमट रोग आता है, एक डिजीज आता है, उसके प्रति प्रतिरोधी होता है, लेकिन जो लाल सड़न होता है और मोजेक रोग होता है उसके प्रति संवेदनशील, मतलब दोस्तों उसके अनुकूल होता है। इसकी खेती उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। सैक्रम ऑफिसिनेरम टाइप का जो गन्ना है इसकी खेती उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक ही सीमित होती है, जिसमें फाइबर का प्रतिशत कम होता है, जिसके कारण इसे चबाने के लिए अधिक पसंद किया जाता है। तो यह था पहला गन्ना सैक्रम ऑफिसिनेरम। क्या हुआ कि यह जो गन्ना यह बहुत रसीला और पतला होता है, जिसमें सुक्रोज की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, यह इसमट के प्रति प्रतिरोधी होता है, और लेकिन लाल सड़न और मोजेक रोग के प्रति संवेदनशील होता है। इसकी खेती उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक ही सीमित है, जिसमें फाइबर का प्रतिशत कम होता है, जिसके कारण इसे चबाने के लिए अधिक पसंद किया जाता है। आगे देखेंगे हम लोग सैक्रम स्पॉन्टेनियम। सैक्रम स्पॉन्टेनियम यह बहुत पतले डंठल और संकरी पत्तियों वाली एक विस्तृत एशियाई प्रजाति है। यह क्या है? यह बहुत पतले डंठल वाली संकीर्ण पत्तियों वाली एक विस्तृत एशियाई प्रजाति है। इसका उपयोग प्रजनन के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें बहुत कम सुक्रोज पाए जाते हैं, इसमें बहुत कम सुक्रोज पाए जाते हैं। इसका जो उपयोग किया जाता है प्रजनन के लिए किया जाता है, नई ब्रीड के तैयार के लिए इसका यूज किया जाता है कि इसका सैक्रम स्पॉन्टेनियम। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट। अगला है सैक्रम बारबेरी। तो यह जो गन्ना है इस प्रकार की प्रजाति पतले तने वाली प्रजाति होती है, जिसकी उत्पत्ति पूर्वोत्तर भाग में हुई। पूर्वोत्तर मतलब पूर्व के उत्तर में, ठीक है, पूर्वोत्तर भाग में हुई थी। इसकी विशेषता छोटे और पतले डंठल, संकरी पत्ती, मध्यम सुक्रोज, उच्च फाइबर और बहुत जल्दी परिपक्वता होती है। तो जो सैक्रम बारबेरी टाइप का गन्ना होता है वह क्या होता है? यह पतले तने वाली प्रजाति होती है, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई? पूर्वोत्तर भाग में हुई थी। इसकी विशेषता यह है कि यह छोटा होता है, पतला डंठल, संकरी पत्ती, इसमें मध्यम सुक्रोज, उच्च फाइबर और बहुत जल्दी परिपक्वता होती है, ठीक है, बहुत जल्दी पक जाता है। यह था सैक्रम बारबेरी। अगला है सैक्रम साइनेंसी। तो गन्ने की खेती की यह प्रजाति भी पूर्वोत्तर भारत की मूल निवासी है, यह भी पूर्वोत्तर भारत की मूल निवासी। इस प्रजाति की विशेषता यह कि यह लंबे और पतले डंठल, जल्दी परिपक्वता, चौड़ी पत्तियां और मध्यम सुक्रोज सामग्री की होती है। इसे प्रजनन के उद्देश्य से उगाया जाता है। तो इसको भी प्रजनन के उद्देश्य से उगाया जाता है। किसको? किसको? सैक्रम साइनेंसी और सैक्रम स्पॉन्टेनियम को, ठीक है। अगला पॉइंट है सैक्रम रॉबस्टम। इस प्रजाति की उत्पत्ति न्यू जीनिया से हुई है। कहाँ से? न्यू जीनिया से हुई थी। इसमें कुछ मोटे डंठल, बड़ी पत्तियां, कम सुक्रोज, कम फाइबर होता है, ठीक है। तो यह गन्ने का क्लासिफिकेशन कौन कौन सा? सैक्रम ऑफिसिनेरम, सैक्रम स्पॉन्टेनियम, सैक्रम
सैक्रम बारबेरी, सैक्रम साइनेंसी, सैक्रम रॉबस्टम, ठीक है, पांच प्रकार के गन्ना थे जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। वीडियो ये वाला थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आगे तक पढ़ना है। देखेंगे इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मतलब क्या होता है, आर्थिक महत्व। तो भारत में गन्ना चीनी का मुख्य स्रोत है। भारत में जो गन्ना है वो चीनी उत्पादन का मुख्य स्रोत है। गन्ने के रस का उपयोग सफेद चीनी, भूरी चीनी और गुड़ बनाने में किया जाता है। गन्ने के रस का उपयोग सफेद चीनी, भूरी चीनी और गुड़ बनाने में किया जाता है। गन्ना यहाँ की प्रमुख फसलों में से एक, गन्ना जो है भारत की प्रमुख फसलों में से एक है। गन्ना उद्योग में मुख्य उत्पादन गुड़ और खोई का है। गन्ना उद्योग में मुख्य उत्पादन किसका है, गुड़ और खोई का। खोई मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जो दोस्तों गन्ने की पेराई होने के बाद जो वेस्ट बचता है उसी को बोलते हैं खोई, ठीक है। तो इसका इस उद्योग में मुख्य उत्पादन गुड़ और खोई का होता है। खोई का उपयोग मुख्यतः ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग फाइबर बोर्ड, कागज, प्लास्टिक आदि के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। जो गन्ने का खोई होता है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, फाइबर बोर्ड, कागज, प्लास्टिक, ये सब बनाने के लिए किया जाता है और ईंधन के रूप में ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने खोई का यूज देख लिया कि कहाँ पर होता है, अब हम लोग देखेंगे गुड़ का उपयोग कहाँ होता है। तो गुड़ का उपयोग भट्टियों में एथिल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, साइट्रिक एसिड आदि के निर्माण के लिए किया जाता है। गुड़ का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, भट्टियों में एथिल अल्कोहल के लिए, ब्यूटाइल अल्कोहल के लिए, साइट्रिक एसिड के लिए, साइट्रिक एसिड के निर्माण के लिए किया जाता है। गुड़ से बनी रम अच्छी पीने योग्य स्प्रिट होती है। गुड़ से बनी जो रम होती है वह अच्छी होती है और पीने योग्य स्प्रिट होती है, ठीक है। गुड़ का उपयोग पशुओं के चारे में जोड़ने योग्य पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। दोस्तों जो गुड़ होता है आप लोग देखते होंगे कि डॉक्टर जो आते हैं गर्मी में कभी कभी सलाह देते हैं कि आप लोग इसे गुड़ का रस बनाकर पशु को पिलाइए, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि गुड़ का उपयोग पशुओं के चारे में जोड़ने योग्य पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। गन्ने की हरी चोटी मवेशियों के लिए चारे का अच्छा स्रोत होता है। तो यह था इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस गन्ने का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे सॉयल। तो गन्ने की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली गहरी दोमट मिट्टी की सतह से 1.5 से 2 मीटर नीचे भूजल स्तर और पर्याप्त जल धारण क्षमता वाली मिट्टी आदर्श होती है। गन्ने की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली गहरी दोमट मिट्टी, मिट्टी की सतह से 1.5 से 2 मीटर नीचे भूजल स्तर और पर्याप्त जल धारण क्षमता वाली मिट्टी क्या होती है, आदर्श होती है। यह काफी मात्रा में अम्लता और क्षारीयता को सहन कर सकता है, इसलिए इसे 5 से 8.5 मतलब 5 से 8.5 pH तक की मिट्टी में उगाया जा सकता है। यदि मिट्टी का pH 5 से कम है तो मिट्टी में चूना मिलाएंगे और मिट्टी का pH 9.5 से अधिक है तो जिप्सम डालेंगे, ठीक है। तो यह था इसके लिए सॉइल की रिक्वायरमेंट। आज देखेंगे क्लाइमेट। तो गन्ने की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। गन्ने की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। गन्ना के पैदावार के समय लंबी अवधि तक गर्म और नम मौसम तक तथा अधिक वर्षा होना सर्वोत्तम पाया जाता है। गन्ने के पैदावार के समय लंबी अवधि तक गर्म और नम मौसम तथा अधिक वर्षा होना सर्वोत्तम पाया जाता है। गन्ने की खेती उन सभी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक की जा सकती है जहाँ पर वार्षिक वर्षा 75 से 120 सेंटीमीटर तक होता है। चलिए आगे देखेंगे लैंड प्रिपरेशन। भूमि की तैयारी। तो भूमि की तैयारी हम लोग कैसे करेंगे, तो भूमि पर 2 जुताई करने के हम लोग गन्ने की खेत को तैयार करेंगे। तो भूमि पर 2 जुताई करें। पहली जुताई 20 से 25 सेंटीमीटर की गहराई पर करनी चाहिए। खेत को भुरभुरा, समतल, चिकना और ढेला मुक्त बनाने के लिए हैरोइंग और प्लैकिंग का पालन किया जाना चाहिए। तो यह था लैंड प्रिपरेशन। लैंड प्रिपरेशन के लिए क्या करेंगे, हम लोग भूमि पर 2 जुताई करेंगे। पहली जुताई 20 से 25 सेंटीमीटर गहराई पर करेंगे और दूसरी बार क्या करेंगे, खेत में जो मिट्टी है, जो बड़ा बड़ा ढेला है उसको क्या करेंगे, उसको फोड़ देंगे, उस पर पाटा चलाकर उसको महीन कर लेंगे, ठीक है। जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ढेला मुक्त बनाने के लिए हैरोइंग और प्लैकिंग का पालन करेंगे। आगे देखेंगे वैरायटी। तो वैरायटी कौन कौन सी है, कुछ मुख्य वैरायटी जैसे हो गया प्रभाकर, ठीक, सॉरी प्रभा, भीम, नैना, कल्याणी, उत्तरा। तो ये सब जो वैरायटियां हैं गन्ने की, ये सब बहुत ही मुख्य वैरायटियां हैं गन्ने की, ठीक है। आगे देखेंगे सोइंग टाइम, बुआई का समय। तो गन्ने की बुआई का उपयुक्त समय कब कब है, सितंबर से अक्टूबर और फरवरी से मार्च है। तो इसकी बुआई के लिए जो उच्चतम तापमान होता है वो कितना होता है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस की
प्रदूषण जो गन्ना था बहुत तेजी से वृद्धि करता है, ठीक है। तो इसकी बुआई का उपयुक्त समय सितंबर अक्टूबर और फरवरी से मार्च होता है। आगे देखेंगे डेप्थ ऑफ सोइंग, बुआई की गहराई। तो गन्ने की जो बुआई है वह 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर की जाती है। कितने सेंटीमीटर पर की जाती है? 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर की जाती है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं सीड रेट। सीड रेट बीज दर। तो दोस्तों गन्ने की जो बीज दर होती है वह कितनी होती है उसको हम लोगों को देखना है। तो 1 हेक्टेयर क्षेत्र की बुआई के लिए 3 कलिका, जिसमें से 3 कलियां निकली हैं, उन 3 कलिका वाले 70 से 80 क्विंटल गन्ना की आवश्यकता होती है, ठीक है। कितने के लिए? 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए, जिसमें 3 कलिका निकली उसकी कितनी आवश्यकता होगी? 70 से 80 क्विंटल। लेकिन जिसमें 2 कलिका लगी उसमें 80 से 85 क्विंटल प्रति दर की आवश्यकता होती है। किसके लिए? बुआई के लिए, 1 हेक्टेयर क्षेत्र के, ठीक है। तो यह था सीड रेट, बीज दर। बीज दर में क्या होता है, कितने हम लोग 1 हेक्टेयर क्षेत्र में बोने के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग देखते हैं। आगे देखेंगे सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार। जैसे जो गन्ने का बीज है उसका हम लोग उपचार कैसे करेंगे, ठीक है। तो फसल को रोगों से बचाने के लिए गन्ने के टुकड़े को कवकनाशी एमिसान, कवकनाशी एक है जिसका नाम है एमिसान, उसका 250 ग्राम की 200 लीटर पानी में घोलकर 5 से 10 मिनट तक डुबा देंगे। उसके बाद हम लोग निकाल के बुआई कर सकते हैं। तो आप लोग हमें कमेंट बताइएगा कि जो गन्ना है इसका और कोई रसायन होता है जिससे हम लोग इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और बहुत फेमस रसायन है वो बार बार एग्जाम पूछता है, उसको आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो वो गन्ने की फसल जो है इसके बीज उपचार करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कवकनाशी था ये जिसका नाम है एमिसान, उसका 250 ग्राम को 200 लीटर पानी में डुबाकर, 250 लीटर पानी में घोलकर उसमें जो गन्ने कटे हुए भाग हैं छोटे छोटे उसको क्या करेंगे, 5 मिनट तक डुबा देंगे। डुबाने के बाद उसे निकाल के हम लोग अपनी बुआई कर सकते हैं। आगे चलते हैं मेथड ऑफ सोइंग, बुआई की विधि। तो बुआई की कुल 3 से 4 विधियां होती हैं, जिसमें पहली होती है फ्लैट प्लांटिंग, समतल बुआई। इसमें क्या किया जाता है, इसमें 75 से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई देसी हल से 8 से 10 सेंटीमीटर गहरे कुंड में किया जाता है। जो समतल बुआई होती है इसमें 75 से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई होती है, जो देसी हल से 8 से 10 सेंटीमीटर गहरे कुंड में किया जाता है। दूसरा होता है बुआई की विधि फरो प्लांटिंग, कुंड बुआई या कुड़ बुआई से कहते हैं। तो इस विधि में गन्ना रीजर द्वारा उत्तरी भारत में 10 से 15 सेंटीमीटर गहरे कुंड तथा दक्षिणी भारत में 20 सेंटीमीटर गहरे कुंड में तैयार किए जाते हैं। तो यह था फरो प्लांटिंग। इसके बाद तीसरा है नालियों में बुआई, ट्रेंच प्लांटिंग। तो गन्ने की बुआई नालियों में करने के लिए 75 से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी एवं 40 सेंटीमीटर चौड़ी नालियाँ बनाई जाती हैं। तो यह था नालियों में बुआई। इसके बाद अगला है ट्रांसप्लांटिंग, रोपण पद्धति। उसको मैं अभी आप लोग बताऊंगा, पहले तीनों एक बार फिर समझ लीजिए कौन कौन सी बुआई विधि थी। पहला था फ्लैट प्लांटिंग, दूसरा था फरो प्लांटिंग, तीसरा ट्रेंच प्लांटिंग। तो फ्लैट प्लांटिंग क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें 75 से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई देसी हल से 8 से 10 सेंटीमीटर गहरे कुंड में किया जाता है। दूसरी है फरो प्लांटिंग, इस विधि में गन्ना जो होता है रीजर के द्वारा उत्तरी भारत में 10 से 15 सेंटीमीटर गहरे कुंड तथा दक्षिणी भारत में 20 सेंटीमीटर गहरे कुंड में तैयार किया जाता है। इसके बाद था ट्रेंच प्लांटिंग, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें गन्ने की बुआई के लिए नालियों में, गन्ने की बुआई होती है वो नालियों में करने के लिए 75 से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी 40 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बनाई जाती है, जिसमें इसकी बुआई की जाती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग तो खेत में 3 से 4 फीट पर मेड़ बनाने के बाद गन्ने के एक आग के टुकड़े खेत में खड़े लगाए जाते हैं तथा दो टुकड़े के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखी जाती है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जब खेत में गन्ने को 3 से 4 फीट पर मेड़ बनाने के बाद गन्ने के एक आँख आँख मतलब समझ लीजिए आँखा जो होता है, जिसमें से जैसे आप लोग देखें गन्ने का, मान लीजिए गन्ना है, ये गन्ना है तो यहीं से एक आँखा निकला होता है, वही बोल रहा है आँख। तो गन्ने के एक आँख के टुकड़े खेत में खड़े लगाए जाते तथा दो टुकड़े के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। आगे देखेंगे इरिगेशन, सिंचाई। तो गन्ने में 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है। गन्ने को पूरे अपने जीवन काल में
200 सेंटीमीटर से लेकर 300 सेंटीमीटर तक की पानी की आवश्यकता होती है। तो गन्ने की फसल को जीवन काल में 200 से लेकर 300 सेंटीमीटर तक पानी की आवश्यकता होती है, जिसमें पहली सिंचाई 45 DS पर किया जाता है, मतलब बुआई के 45 दिन बाद, दूसरी सिंचाई 45 से 120 दिन बाद, और तीसरी सिंचाई 120 से 270 दिन बाद, और चौथी सिंचाई 270 से 360 दिन के बाद की जाती है। किसकी? गन्ने की। आगे देखेंगे अर्थिंग। अर्थिंग तो गन्ने की फसल में प्रथम गहरी गुड़ाई होने के एक सप्ताह के अंदर की जाती है। गन्ने की फसल में प्रथम जो दोस्तों गहरी गुड़ाई होने के एक सप्ताह के अंदर इसमें अंधी गुड़ाई की जाती है, ठीक है। तो यह था अर्थिंग। गुड़ाई कर क्या करते हैं, इसके ऊपर अच्छे से मिट्टी चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है बहुत तेजी से वृद्धि करता है, विकास करता है, और गन्ना हमारा जल्दी जल्दी तैयार होता है। इसका देखेंगे हम लोग हार्वेस्टिंग। तो अच्छी उपज और अधिक चीनी प्राप्त करने के लिए गन्ने की सही समय पर कटाई आवश्यक है। क्या बोला है कि अच्छी उपज और अधिक चीनी प्राप्त करने के लिए गन्ने की सही समय पर कटाई आवश्यक है। अधिक पुराने या कम पुराने गन्ने की फसल कटाई करने से गन्ने की उपज में हानि तो होती है और चीनी में भी बहुत नुकसान होता है, ठीक है। पत्तियों को सूखने और गन्ने के रस के आधार पर कटाई का समय तय किया जाता है। गन्ने का कटाई का सही समय जानने के लिए कुछ किसान जो होते हैं वह किसका यूज करते हैं, हैंड शुगर रेफ्रेक्टोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। कटाई के लिए हसिए का प्रयोग किया जाता है। डंठलों को जमीनी स्तर से काटा जाता है ताकि नीचे की चीनी युक्त गांठों को काटा जा सके, जो उपज और चीनी का इजाफा जो चीनी को बढ़ाने में क्या करते हैं, अपना समर्थन करते हैं, बढ़ावा करते हैं, ठीक है। तो यह था इसका हार्वेस्टिंग। क्या बोला है कि अच्छी उपज और अधिक चीनी प्राप्त करने के लिए गन्ने की सही समय पर कटाई आवश्यक होता है। यदि गन्ने को हम लोग लेट काटेंगे या जल्दी काटेंगे तो उससे क्या होगा, उससे उपज में अधिक हानि होगी। पत्तियों को सूखने और गन्ने के रस के आधार पर कटाई का समय तय किया जाता है। कटाई का सही समय जानने के लिए कुछ किसान जो होते हैं वो हैंड शुगर रेफ्रेक्टोमीटर का यूज करते हैं। कटाई के लिए हसिए का उपयोग किया जाता है। डंठलों को जमीनी स्तर से काटा जाता है ताकि नीचे की जो चीनी युक्त गांठे होती है उनको काटा जा सके, जो उपज और चीनी का इजाफा करने में बढ़ावा करते हैं। अब देखेंगे इसका यील्ड। उपज उपज कितना प्राप्त होता है, तो उपज यदि साधारण बात करें तो 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गन्ने की उपज प्राप्त होता है, ठीक है। और खोई को छोड़कर, सॉरी, गन्ने का जो उपज होता है 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त होता है। तो ये थी गन्ने की खेती, जो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आई होगी। एक बार मैं फिर से आप लोगों को इसका बोटेनिकल नेम, ओरिजिन, एरिया, डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ, क्योंकि इसी से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। तो गन्ने का बोटेनिकल नेम क्या है, सैकरम अपिसिनेरम। फैमिली है पोएसी ग्रैमिनी, या ग्रैमिनी पोएसी भी कह सकते हैं, या सिर्फ ग्रैमिनी भी कह सकते हैं। ऑरिजिन है इसका इंडिया। विश्व में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन भारत में होता है, और विश्व में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर गन्ने की बुआई भी भारत में होती है। भारत में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। तो आज की ये कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन खत्म हो गया, गन्ने की खेती खत्म हो गई। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।